सूरत के 84 विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार योगेश पटेल जो युवा चेहरा के रूप में उम्मीदवार हैं और इनके सामने भारतीय जनता पार्टी की युवा महिला चेहरा के रूप में झंखना पटेल हैं। लेकिन अब की बार जनता तय करेगी कि 84 विधानसभा के विधायक किसको बनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, समय नेशनल, सूरत। हमारे 84 विस्तार में मध्य विस्तार में कोरी पटेल समाज है, अदर कास्ट के सब प्रांतीय लोग हैं और जो भी मतलब समाज के लोग हैं या प्रांतीय लोग हैं सब हमारे साथ है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सर आपकी अपक्ष उम्मीदवारी भी यहाँ पे लोगों ने किया है, तो उस जो अपक्ष उम्मीदवारी किया है तो उत्तर भारतीय समाज भी कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहा है क्योंकि उसको टिकट की बात नहीं मिला है, तो उनको आप किस तरह से मनाने की कोशिश कर रहे हैं और क्या आपको लगता है कि वो आपके साथ में रहेंगे या बीजेपी के साथ? नहीं नहीं, जरूर रहेंगे, जरूर रहेंगे, ये भी हमारे साथ रहेंगे, अभी हमारे साथ में रहेंगे। आप भारतीय जनता पार्टी के जो आपके विपक्ष में झंखनाबेन पटेल, उनके सामने आप जो चुनाव लड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट में देखा जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं जो है प्रला आपका भारी नजर आ रहा है, इसके लिए आप जनता को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? जो भी है जनता के साथ, जनता के भरोसे ही हम लोग हैं और जनता पे ही हम लोग विश्वास रखते हैं, जनता हमारे साथ है। तो भारतीय जनता पार्टी जैसा कि सर अभी 22 से 25 सालों से यहाँ राज कर रही है, अब की बार क्या लगता है इसको गुजरात के चुनाव माहौल में कांग्रेस पार्टी के हाथ में बागडोर आएगी? पक्का आएगी, जरूर जरूर आएगी। कभी लोग भी अभी मतलब उससे टाइम हम पकड़ने लग गए, परिवर्तन चाहिए। हाँ, इसका भाजपा का भ्रष्टाचार है, GST है, नोटबंदी है, महंगाई है, रोजगारी है, सब शिक्षण है, जो भी है सब लोग उससे हैरान हो गए। और अब की बार तो कांग्रेस की सरकार बनेगी तो बनेगी। जहाँ तक देखा जाए तो सर ये पाटीदार जो समाज है, पाटीदार समाज की कहीं ना कहीं कांग्रेस के फेवर में ही नजर आ रही है, ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट पाटीदार समाज की भारतीय जनता पार्टी ने दिया, उसकी पसंद क्या आपको? नहीं, पाटीदार तो कांग्रेस साथ ही है और कांग्रेस के साथ ही रहेगा, सब समाज साथ में है, सर समाज आपके साथ में है। हाँ, सब समाज साथ में है। इस समय आप जो है चुनाव के जो मुद्दे हैं उस मुद्दे को लेकर के आपकी रणनीति क्या है, उस रणनीति को लेकर के आप चुनाव जनता के बीच में जाएंगे? हमारा सबसे पहला तो रोजगारी का है, नोटबंदी है, GST है, महंगाई है और काफ़ी सारे प्रदूषण का है, सब मुद्दा लेके हम लोग वो करेंगे और उसको लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। उसके आधार पे आप जो है जनता को बोलेंगे कि भाई कांग्रेस पार्टी को वोट। हाँ, तो आपने देखा है कि युवा चेहरा इस 84 विधानसभा के जितने आज हमारे खास में बीच में चर्चे में रहे, इसके लिए सर समय नेशनल आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है। थैंक यू। कट मारी कट।